बताते हैं बेटा, बताते हैं, सब्र रखो थोड़ा, अभी सब बताते हैं तुम लोग को। तुम लोगों का दादाजी आया था। हम लोग एवेंजर्स कैसे बने थे? बताते हैं बेटा, बताते हैं, सब्र रखो थोड़ा, अभी सब बताते हैं तुम लोग को। तुम लोगों का दादाजी आया था एवेंजर्स बनाने के लिए साला। ए तू फटे जेब में हाथ मत डाल, समझाना, अभी हम सबको बताएंगे एवेंजर्स कैसे बने हम लोग। आज मैं बताऊंगी हम लोग एवेंजर्स कैसे बने थे। देखो आ गई बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा। तेरी माँ का बोल ना, बोल कह रुक गई, बोल आगे बोल, लिस्ट तैयार है, बोलो किसका नाम ले। थोर का लो, थोर का, थोर का बारे में हम बताएंगे। थोर एक बहुत गरीब परिवार से है, उसके पास पहनने के लिए एक चड्डी भी नहीं था। अबे हो अंधा, मुंह संभाल के बोलो, समझाना, तुम्हारा खानदान खरीद लेंगे इतना पैसा साला। खानदान खरीदने का क्या जरूरत है, एक चड्डी खरीद लो। और तुम सबको पता है यह तोड़ा लेकर क्यों घूमता है? क्योंकि इसका बाप लोहार था। बिल्कुल सही बोले अंधा भैया ने, सही बोला, थोर का बाप हमको एक बक्सा भी बना के दिया था। अंधा बेटा अब शांत हो जाओ, बहुत तू मेरा बेइज्जती करवा लिया है, आगे से और बेइज्जती मत करवाना, वरना जो तुम्हारा दूसरा आंख बचा ना उसको भी फोड़ देंगे साला। थोर बिल्कुल सही बोल रहा है, आप दूसरे का बेइज्जती करो। चलो आप अंधा का पारी, अंधा को बेइज्जती करो। अंधा का कहानी यह है कि यह बहुत लड़की को आंख मारता था, इसलिए भगवान ने इसका एक आंख काना कर दिया। और क्या, मारते रहो आंख। दस साल तुमको कौन बताया फालतू बात रे? देखो ये तवा वाला बताया, तवा वाला। हे हम क्या बताए रे बेटा, बाप से होशियारी नहीं, नहीं तो अभी तुम्हारा कहानी सुनाएंगे। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ, सबको सुनाओ, देखते क्या सुनाता है, तुम सुनाओ। तुम सबको जानना है ये तवा लेकर क्यों घूमता है? हाँ बताओ। हाँ ठीक है बताओ। तू तवा लेकर इसलिए घूमता है क्योंकि तेरे बाप का चौमिन रोल का ठेला था। बिल्कुल गलत जवाब, मेरा बाप का होटल था। और तेरा बाप का वेल्डिंग का दुकान था, इसलिए तू आयरन मैन बना। हाँ मेरा बाप का वेल्डिंग का दुकान था, क्योंकि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सुन रहा है इसका डायलॉग, डायलॉग तो सुनो ना, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, क्या डायलॉग मारा साला ऐसा आखिर का। हाँ तो मेरा बाप का वेल्डिंग का दुकान था, तेरा बाप का ऐसा दूसरे का बर्तन तो नहीं धोता था ना। तू चुपचाप तवा ले और अपना दुकान खोल। मजा आ गया, तुम लोग को बिग बॉस में जाना चाहिए। अब कोई मत बोलना कि हल्क का कहानी सुना, हल्क मैं खुद ही हूँ। और मैं बता देता हूँ कि मेरा बाप समोसा का ऊपर हरा चटनी लगा कर बेचता था, इसलिए मैं हरा हरा पैदा हुआ, और ज़्यादा कोई कहानी नहीं है। तेरा बाप बासी समोसा बेचता था, इसलिए मैं बार बार बाथरूम जाता था, आज पता चला मुझे। अब तुम उधार का समोसा खाएगा तो बासी माल देगा ही, क्योंकि पैसा कोई पेड़ में नहीं उगता, समझा ना, सब चीज़ का पैसा लगता है। तो पैसा दो, नगद खाओ, गरम गरम खाओ, क्या है उसमें? साले भीख मंगे समोसे खाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को हमारा ये फनी डबिंग वीडियो